मारे को घनी खुशी है कि तूने बेबी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वैसे मारे साने थारे को अपना जमाई घणो पहले से ही मान लिया था। इके वास्ते तो उन्होंने अपनी आधी जायदाद थारे को दे दी ताकि तू उनकी पोती और अपनी पत्नी का ख्याल चोखी तरह से रख सके। नहीं मां, बेबी जी मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो मैंने ऐसे ही फोन पे गुस्से में अभिमन्यु से कह दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि मालिक साहब को दिया हुआ वादा मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरी और बेबी जी की शादी नकली है लेकिन जिम्मेदारी तो असली है। मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकता हूं बेटा? पर थारी शादी हुई है ये बात तो साची है ना? हुई है माल, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा मालिक साहब की पोती बेबी जी थी और हमेशा बेबी जी रहेंगी। ये मंगलसूत्र नहीं कांटों का हार है हमारे लिए। इस झूठे रिश्ते की एक झूठी निशानी। मैं थारे से विनती करूं, दुनिया के वास्ते ना सही, हमारे वास्ते ही सही, ये मंगलसूत्र गले से ना उतार, क्योंकि हमारे घर की इज्जत अब थारे साथ जुड़ी हुई है। लोग 10 सवाल पूछेंगे जिनके जवाब मैं को नहीं दे पाऊंगी। बेबी जी थे जब तक इकट्ठे हो, ये मंगलसूत्र पहने रखना। हमारे हाथ जोड़कर विनती है थारे से, बाकी ठाकुर जो ठीक लगे। देखो बेटा, किसी ने खूब कहा है, जो अपने हाथ में है उसे ले लो और जो आने वाला है उसे तो हम किसी ना किसी तरह छीन ही लेंगे। शिवानी को जब आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, तब उसके बारे में सोच लेंगे, लेकिन फिलहाल फिलहाल उसके बैंक अकाउंट में से जितना भी पैसा निकाल सकती हो ना, निकाल। बेबी जी, मामी जी, मैं अंदर आऊं? हाँ हाँ निशी बेटा, अंदर आओ। थैंक यू बेबी जी, मामी जी। अरे थैंक यू किसलिए? वो इसलिए बेबी जी, मामी जी, क्योंकि आपकी वजह से नीचे पार्टी की तैयारी अच्छी हुई है और आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना भी बन जाए, और आपके वजह से मुझे बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, इसलिए थैंक यू बेबी जी, मामा जी। बाय बेबी जी, मामा जी। हमारी प्रॉपर्टी मिलने की खुशी में ये लोग पार्टी कर रहे हैं। बहुत शौक है ना पार्टी करने का। अब हम बताएंगे कि पार्टी कैसी होती है। दिल बंधे बंधे एक डोरी से।